हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को पूर्ण टिकट दिया गया है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाने पर उत्तराखंड की सीमा गुरुकुल नारसन से हर की पौड़ी तक गुरुकुल नारसन मंगलूर रुड़की बादराबाद ज्वालापुर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के 11 विधानसभाओं के जनप्रतिनिधियों विधायकों के संयुक्त संयोजन में हरिद्वार की जनता द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भाजपा प्रत्याशी के सड़कों पर जनता ने फूलमाला के साथ जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक विधायक संयुक्त रूप से ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना भी की। क्लियर हुआ आज आपने गंगा पूजन किया है, इसके बारे में बताइए आप। हम लोग नारसन से और लगातार यहाँ तक आए, सुबह चले थे नारसन से, अब जाकर के पहुँचे यहाँ पर। स्थान स्थान पर हजारों हजारों लोग इस तरीके से सड़कों पर उतर करके जो उल्लास और उत्साह था उससे साफ ही झलक रहा था कि हर व्यक्ति बच्चा बूढ़ा हो महिला पुरुष हो किसी भी जाति का किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति को न हो उसने मन में ठान लिया कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में वो मोदी जी को चाहता है। और मैं गंगा के तट पर मैं तो गंगा माँ मेरी धरती से अवतरित होकर विश्व के कल्याण के लिए जाती है और यही विश्व धरोहर कुंभ इसी धरती पर जब 2010 में मैं मुख्यमंत्री था तब जो महाकुंभ किया था उसको सारी दुनिया में एक नाम मिला था और उसको विश्व धरोहर का स्वरूप मिला। आज उसी गंगा माँ के तट पर एक बार फिर हम संकल्प लेकर के कि हम इस देश की उन्नति के लिए देश की एकता और अखंडता के लिए देश की प्रगति के लिए हम मोदी जी को भारत का फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जिससे कि नए भारत के निर्माण की दिशा में जो तेज़ी से उन्होंने काम किया है विश्व शिखर पर भारत को बुलंदियों तक पहुँचाए और तीसरी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में जो सफलता अर्जित करने का काम किया है, तो माँ गंगा उनको आशीर्वाद दे। हरिद्वार की धरती से मुझे फिर मेरे नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करके दोबारा मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाए हैं और मेरा सौभाग्य है कि हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाने की मेरी ही मुहिम रही है। अंतिम क्षण तक संघर्ष करके मैं उसमें भी सफल रहा। आज हरिद्वार उत्तराखंड का नंबर एक जिला है, यदि उत्तर प्रदेश में रहता तो सबसे पीछे का और अंतिम जिला होता, मुझे इस बात का भी गौरव है। और हरिद्वार के लोगों पर भी मुझे भरोसा है, गर्व है, वो मुझे प्यार करते स्नेह करते लगाव है इस लोकसभा के लोगों का मुझसे, इसीलिए विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी अचानक जब मैं यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था तब उन्हें 2 लाख मतों से लोगों ने जिताया था और आज तो 5 वर्ष 5 लाख से जीता है। 50 वर्ष के इतिहास को मैंने एक तरफ करके एक रिकॉर्ड तोड़ा है यहाँ के विकास के कार्यों के लिए और इसलिए लोगों ने मन बनाया। मुझे भरोसा है कि हम देश के अंदर इस सीट को बहुत बड़े मार्जिन के साथ तोहफे के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देंगे। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि निशंक जी एक लोकप्रिय नेता हैं और एज ए 5 साल सांसद रहते हुए मैं समझता हूँ अपार विकास इस संसदीय क्षेत्र हरिद्वार के अंदर उन्होंने किया है। और नमामि गंगे योजना मोदी जी की जो गंगा जी के प्रति अति महत्वाकांक्षी योजना है, गंगा जी के संरक्षण के लिए लगातार एक भागीरथ के रूप में मैं समझता हूँ निशंक जी ने काम किया है और माँ गंगा ने आज उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हरिद्वार की जनता ने पहले भी उनको जो है अपार मतों से विजय श्री दिलाई थी और मैं समझता हूँ अब पाँच लाख मतों से जो है निशंक जी विजय होंगे और हरिद्वार की अपार जनता का उन्हें प्यार मिलेगा और जो मोदी सरकार के अधूरे काम है मैं समझता हूँ गंगा के संरक्षण के लिए उसको निश्चित रूप से अगर पूरा करेंगे तो भागीरथ के रूप में निशंक जी पूरा करने का काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इस लक्ष्य के साथ आज निशंक जी के साथ में तमाम व्यापारी किसान असंगठित क्षेत्र का मजदूर सारे लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं और जोश है, कार्यकर्ता के अंदर जोश है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इस जोश के साथ में निशंक जी उन्हें माँ गंगा के आशीर्वाद से विजय सिर प्राप्त करेंगे।